नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पाठ 9 से लेकर 12 तक हमारे पूरे हो चुके हैं, अर्थात पाठ 9 से 12 तक के हम कठिन शब्द, शब्दार्थ, सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर और चारों पाठ का अभ्यास भी हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। और इसका एक्स्ट्रा वर्क, जैसे भाषा कौशल है, भाषा की बात है, कला कौशल है, होर्स क्वेश्चन है, जो भी था सब कुछ हम इसका पूरा कर चुके हैं चारों पाठ का, ठीक है। और हम इसका व्याकरण पोर्शन भी, ग्रामर पोर्शन भी हम इसका पूरा कर चुके हैं। लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, परिभाषा, अनौपचारिक पत्र, चित्र वर्णन, हम सब कुछ कर चुके हैं। एक हमारा परियोजना कार्य रहता है, हम पाठ 13 के बाद परियोजना कार्य भी करेंगे, तो पहले हम पाठ 13 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 13। पाठ 13 का नाम है बांसुरी का जादू। दिखाई दे रहा है पाठ 13 हमारा? पाठ 13 का नाम क्या है? बांसुरी का जादू, ठीक है बच्चों। और यह है एक कहानी है, लोक कथा है। कहाँ की है? बुल्गारिया की अनुवादित कहानी, बुल्गारिया की लोक कथा है जो इस जो पाठ है, यह पाठ एक कहानी के रूप में है। और वह कहानी कहाँ पर है, कहाँ की है? बुल्गारिया की, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है कि एक बालक, एक छोटा सा बालक है, ठीक है, एक बालक की, छोटे से बालक की बुद्धिमानी और चतुराई का परिचय दे रही है। अर्थात इस पाठ में हमें एक बालक की बुद्धिमानी का, वह कितना बुद्धिमान है और कितना चतुर है, और उसकी बुद्धिमानी और चतुराई के बारे में हमें पता चलता है इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। इसमें एक बालक है, एक बालक को हाजिर जवाब, हाजिर जवाब कौन होता है कि जो प्रश्न पूछते ही उसका जवाब तैयार रहता है, जवाब तैयार, जवाब दे देता है एकदम से, तो उसको हाजिर जवाब बोलते हैं। यानी कि किसी से हमने कोई प्रश्न किया और उसने तुरंत उसका उत्तर हमें दे दिया, उस प्रश्न का उत्तर हमें तुरंत मिल गया, एकदम से मिल गया, तो उसे हम हाजिर जवाब कहेंगे। तो इसमें बालक को हाजिर जवाब व दूसरों की चालाकी का जवाब देकर अपनी समझदारी के बल पर दूसरों का मन जीतते हुए दिखाया है इस पाठ के माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो देखिए यह कहानी जो है बुल्गारिया की एक लोक कथा है, बुल्गारिया की एक लोक कथा है, ठीक है। और जिसमें एक बालक भेड़ों को चराता हुआ बहुत प्रसन्नता से उछल रहा था। इस पाठ में क्या है कि एक छोटा सा बालक है, वह अपनी भेड़ों को चरा रहा है और अपने भेड़ों को चराता हुआ बहुत प्रसन्नता से, खुशी से उछल रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? मैंने पहली बूझ ली, मैंने पहली बूझ ली, ऐसे कह करके चिल्ला रहा था। इस पाठ की के माध्यम से बता रही हूँ क्या है, इस पाठ में, इसका पाठ की कहानी बता रही हूँ कि इस पाठ में क्या है बच्चों। तो उसके चिल्लाहट सुनकर एक घुड़सवार, घुड़सवार किसको कहते हैं, जो घोड़े पर बैठकर आता है वह घुड़सवार कहलाता है। तो उसकी चिल्लाहट सुनकर एक घुड़सवार वहाँ पर आ जाता है और रुक जाता है, और रुक करके उससे पूछता है, उसे पहले पूछता है, ठीक है। उसके पूछने पर उस बालक ने बताया कि टोप, हैट एक ऐसी वस्तु है कि जो मुर्गे से छोटी भी है और अगर सिर पर धारण कर लिया जाए तो आदमी से भी ऊंची है, तो ऐसे कहा उस बच्चे ने। तो यह सुनकर घुड़सवार ने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक ऐसी भेड़ देने को कहा जो न काली, न सफ़ेद और न भूरी हो। तो उसको ऐसे कहा बच्चे को कि मुझे ऐसी भेड़ चाहिए जो न तो काली हो, न भूरी और न सफ़ेद हो, ठीक है। उस बच्चे की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कहा, और ऐसी भेड़ होती नहीं, काली भी होगी भेड़, भूरी भी होगी और सफ़ेद भी होगी। तो जो तीन रंग बताए हैं उसने, घुड़सवार ने, कि मुझे इस प्रकार की भेड़ चाहिए, ऐसी भेड़ चाहिए जो न काली हो, न भूरी और न सफ़ेद हो, क्यों कहा? क्योंकि उस बच्चे की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था, ठीक है। बालक बहुत समझदार था, लेकिन बालक बहुत शाना था, आजकल के बच्चे समझदार ही शाने आई, तो बालक समझदार था। उसने भी ऐसे दिन आने के लिए कहा
जब इतवार से सोमवार तक कोई दिन न हो। तो उसने क्या कहा बालक ने घुड़सवार को कि मैं भेड़ आपको दे दूंगा, आप भी ऐसे दिन आना कि सोमवार से लेकर के रविवार तक हमारे 7 दिन है ना, तो उसने कहा कि ऐसे दिन आना कि इन दिनों में से एक भी दिन न हो। अब दोनों के जो आंसर थे वो अजीब थे ना, हैरानी वाले थे। तो देखिए अब क्या होता, फिर तब घुड़सवार ने उसकी चतुराई से प्रसन्न होकर उसे जादू की बांसुरी दे दी। तो घुड़सवार ने उस बच्चे का आंसर सुना, उत्तर सुना, तो उसके उत्तर से खुश हो गया और उसको एक जादू की बांसुरी भेंट में दे दी। अब क्या हुआ, इस बांसुरी से कभी भी मनचाही वस्तु मांगी जा सकती थी। अब बालक ने भी उसे एक भेड़ भेंट कर विदा किया। बालक ने भी क्या दिया उसको, एक भेड़ भेंट के रूप में, उपहार के रूप में दे दी और उसको विदा कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए इस पाठ का सार, इस कहानी में क्या है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को, बांसुरी का जादू। अब और अधिक जानकारी के लेने के लिए अब हम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, मनुबा के पास बहुत सी भेड़े थी। बच्चे का क्या नाम था, बालक का क्या नाम था, मनुबा। मनुबा के पास बहुत सी भेड़े थी जिन्हें वह प्रतिदिन जंगल में ले जाया करता था। प्रतिदिन का अर्थ क्या है, हर रोज़। जिन भेड़ों को वह हर रोज़ कहाँ ले जाता था चराने के लिए, जंगल में ले जाया करता था। वह अपनी भेड़ों के साथ बहुत खुश रहता था और मस्ती में झूमते गाते जाता था। वह छोटा सा बच्चा था, बालक, अपनी भेड़े चराता था, जंगल में जाता था, भेड़े लेकर जंगल में भेड़ चराता था और अपनी भेड़ों के साथ बहुत ही खुश रहता था। उसको मतलब भेड़ों को देखता रहता था, भेड़ों को चराता था, तो इसी में वह प्रसन्न रहता था इसी के साथ, और मस्ती में झूमते गाते जाता था, और मस्ती में झूमता रहता था और मस्ती में गाता रहता था। यह उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। दिनचर्या का अर्थ क्या है, देखिए बच्चों, दिनचर्या किसको कहते हैं, दैनिक कार्य, जो हम रोज़ काम करते हैं ना उसको हम दिनचर्या कहते हैं। तो ये उसकी क्या थी, हर रोज़ की दिनचर्या थी। ऐसे ही वो दिन भर काम करता था, हर रोज़ जंगल में जाता था, अपनी भेड़े चराता था और मस्ती में रहता था, खुश रहता था, और अपना सारा दिन क्या करता था, झूमता था और गाता रहता था। ठीक है, हर रोज़ उसका यही कार्य था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को लेकर गया तो भेड़े जब सुनहरी धूप में आराम कर रही थी, तो मनुबा ने मस्ती में अपनी टोपी हवा में उछाल दी। करते ना बच्चे ऐसी, आप लोग भी करते हो, कागज़ का जहाज बनाते हो और ऐसे उछालते हो, करते ना आप कई बार, हैंकी फेंकते हो, टोपी को उछालते हो, गेंद को उछालते हो, कर देते हो ना। तो ऐसे ही उस बच्चे ने भी कहा, मनुबा ने भी किया। मनुबा ने क्या किया, एक दिन जब अपनी भेड़ों को लेकर गया जंगल में चराने के लिए, तो भेड़ सुनहरी धूप, मतलब अच्छी धूप निकली हुई थी, तो धूप में भेड़ आराम कर रही थी, बैठी हुई थी, आराम कर रही थी। तो मनुबा ने मस्ती में आकर क्या किया, अपनी टोपी उतारी सिर से और हवा में ऐसे उछाल दी, फेंक दी ऊपर की तरफ। तो उसकी टोपी पर एक पंख भी लगा था। तो उसकी टोपी पर क्या लगा हुआ था, एक पंख भी लगा हुआ था। मनुबा की टोपी पर एक पंख भी लगा हुआ था। देखा ना, यह मनुबा है, इसके हाथ में लाठी है, टोपी पहन रखी है, उसकी भेड़े चल रही है, दिखाई दे ना। मनुबा जंगल में गया, अपने भेड़ों को लेकर के भेड़े चरा रहा है, तो ये मनुबा है। ठीक है बच्चों, इस बच्चे का नाम क्या है, मनुबा। तो क्या हुआ, उसकी टोपी पर अब एक पंख भी लगा हुआ था। ठीक है, अब टोपी को हवा में उछालते ही वह प्रसन्न होकर उछलने लगा। जैसे उसने टोपी हवा में उछाली तो वह खुश हो गया और उछलने लगा, खुश होकर के कूदने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैंने पहेली जान ली, मैंने पहेली जान ली। ऐसे कहने लगा कि मैंने पहेली को जान लिया और मैंने पहेली को जान लिया। अब पता नहीं कौन सी पहेली को जान लिया, क्या पहेली थी उसकी। ठीक है, कुछ देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति घोड़े पर आया। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था अपना घोड़ा लेकर के। तो कुछ देर बाद एक आदमी घोड़े पर बैठ कर वहाँ पर आया। वह मनुबा को देख कर रुक गया और हैरान हो रहा था। तो उस घुड़सवार ने, घोड़े पर बैठने वाले आदमी ने मनुबा को देखा, मनुबा को देख करके हैरान हो गया। ठीक है ना, हैरान हो गया, तो उसको आश्चर्य हुआ कि वह शोर क्यों कर रहा है। वह हैरान हो गया उसके शोर को सुनकर कि वह बच्चा इतना शोर क्यों मचा रहा है, इतना प्रसन्न क्यों है कि मैंने पहली जान ली, मैंने पहली जान ली, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। ठीक है,
अब मनुबा की आवाज़ के शोर से उसका घोड़ा डरकर रुक गया। जैसे मनुबा चिल्ला रहा था कि मैंने पहली जान ली, तो उस घुड़सवार का घोड़ा उसकी आवाज़ से डर गया और वहीं पर रुक गया और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। खड़े हो जाते ना घोड़े डर करके, पिछले पैरों पर अगले वाले पैर ऊपर उठा लेते हैं, तो वह डर करके अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। अब घोड़े की ऐसी हालत देखकर घुड़सवार को गुस्सा आने लगा, क्योंकि घोड़े पर काबू पाना उसके लिए कठिन हो रहा था। अब घोड़ा आगे चल नहीं रहा था, डरा हुआ था, वहीं रुक गया था। तो घुड़सवार को ना भी बताया ना मैंने कि जो घोड़े की सवारी करता है उसे घुड़सवार कहते हैं। अब घुड़सवार को गुस्सा आने लगा, उसका घोड़ा आगे नहीं चल रहा था, पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, वहीं रुक गया, क्योंकि उसे अपने घोड़े पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। घुड़सवार अपने घोड़े को आगे की ओर चला नहीं पा रहा था, तो अब उसको गुस्सा आने लगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, टाइम हो गया है, और मेरी आपसे उम्मीद है कि इस पेज को दोबारा पढ़ेंगे और अगला पेज भी रीड करेंगे, एडवांस में रीड करेंगे, ताकि आपकी समझ आ जाए। कल मैं इस पार्ट को पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मेरा यही कार्य है कि पेज 84, 84 और 85 पेज को ज़रूर पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग ज़रूर करेंगे, और जो ये शब्द अर्थ जो मैंने करवाए हैं, तीन ही बताए हैं मैंने इस पेज पर, 84 पेज पर तीन ही हैं, प्रतिदिन, दिनचर्या और घुड़सवार, इनको याद भी करेंगे, इनके शब्द अर्थ, इन शब्दों के अर्थ भी याद करेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा इतना ही कार्य है। धन्यवाद, शुभ दिन।